अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर भी यह तृतीय कोटि का सारणिक है। इसके अवयव है 19, 17, 15, 9, 8, 7, 1, 1 और 1। तो इस सारणिक का मान माना कि यह डेल्टा है। सारणिक को सरल करने के लिए आप सीधा संक्रिया का उपयोग कीजिए या फिर सीधे सरल कर दीजिए। तो थोड़ा सा इस पर हम गौर करते हैं कि यदि 9 में 2 का गुणा किया जाए तो मिल जाएगा 18, 18 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो मिल जाएगा 19। मतलब ये जो है यह 19 बदल सकता है। इसी प्रकार 8 में अब 2 का गुणा करें तो मिल जाएगा 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा 17। 7 में 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 14, 14 में 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा 15। तो ये 19, ये 17 और ये 15, तो दोनों रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, मान शून्य हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि रो 2 बिकम्स 2 गुना आर 2 धन 1, या 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी है तो या तो आप 1 लिखिए या तो आप आर 3 भी लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने आर 3 लिख दिया, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा है ये कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। 19, 9 और 2 का गुणा और इसमें 1 जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार 17, 17 में 2 का गुणा कर रहे हैं और आप 1 जोड़ रहे हैं। और अंत में ये 15, 15 में 2 का गुणा कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं और ये 1। तो ये हो गया 19, 9 दुनिया 18 और 1 19 और ये 1, 17, 17 1 और 15, 15 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रो वन और रो टू आइडेंटिकल है, इसका मान शून्य होगा। क्योंकि रो टू व रो वन, ये दूसरा और ये पहला, सर्वसम है। इस तरीके से इस सारणी का मान शून्य प्राप्त हुआ। या फिर आप यहाँ पर देखिए कि यदि आप 9 में 8 को हटाते हैं तो 1, 7 में 8 में 7 घटाते हैं 1 और यहाँ पर 7। इसी तरीके से कहने का मतलब ये कि यदि आप कॉलम 1 को कॉलम 2 से घटा देते हैं और कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटा देते हैं तो कुछ हद तक संक्रिया जो होगी आसान हो जाएगी, या कुछ हद तक यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। या फिर कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये डेल्टा अपरिवर्तित रहेगा। कॉलम 1 मतलब 19 माइनस 17, 9 माइनस 8 और 1 माइनस 1। इसी प्रकार ये 17 माइनस 15, 8 माइनस 7 और 1 माइनस 1 और ये 15, 7 और 1। आगे सॉल्व करेंगे 17 और ये 2 और ये 1 और ये 1, ये 2, 1 और ये 1 और ये 15, 7 और ये 1। तो देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है, सर्वसम है, मान शून्य हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि C1 व C2 सर्वसम है, आइडेंटिकल है, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हल हुआ। अगले प्रश्न में भी एक सारणिक दिया गया है जो कि तृतीय कोटि का है, जिसके अवयव हैं 0, 1, 2, ऋण 1, 0, ऋण 3, ऋण 2, 3, 0। तो माना कि यह डेल्टा के बराबर है, तो ये हो गया डेल्टा 0, 1, 2, ऋण 1, 0 और ऋण 3 और ऋण 2, 3, 0। इसे आपको सरल करना है। जहाँ पर यह संभावना आपको दिख रही है या फिर थोड़ा एनालिसिस करने पर समझ आ रहा है कि ऑपरेशन लगाना आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है या उस संक्रिया लगाने से चीज़ें थोड़ी और सरल हो सकती है, हर जगह संक्रिया लगाकर सरल करना ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि देखिए कि यहाँ पर जो आपको सारणिक दिखाई दे रहा है, ना तो दो आइडेंटिकल हैं, ना आप इसमें कोई संक्रिया लगाकर इसको आइडेंटिकल बना सकते हैं, दो कॉलम या दो रो को। तो यहाँ पर आप सीधा सिंपल सी बात है कि आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो इसे हम लिखेंगे कि R1, ये R1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये शून्य, शून्य के साथ में इसका उपसारणिक, शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो शून्य मिलेगा, इस वजह से आगे पद को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर ऋण लगाएंगे और ये ऋण एक और इसका उपसारणिक, तो ये ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन और शून्य। फिर धन दो, इसका उपसारणिक ऋण एक और ये शून्य, ऋण दो और तीन। आगे सरल करते हैं, ये मिल गया शून्य, ऋण एक। अब ऋण एक और शून्य का गुणा करेंगे मिल जाएगा शून्य, ऋण, और ये ऋण और ऋण, धन, धन और ऋण, फिर से ऋण, तो ये मिल जाएगा ऋण छः। फिर धन दो, ये तीन, तीन और ऋण एक, ऋण तीन, ऋण, ऋण दो और शून्य का गुणा करेंगे मिल जाएगा शून्य। सरल करेंगे तो ये ऋण और धन, ये ऋण और ऋण मिलकर मिल जाएगा धन, और ये ऋण और ये धन गुणा होकर के ऋण, तो ऋण छः, ऋण छः, शून्य। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो चुका है और आगे हम कुछ दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला हमें जो सारणिक दिया गया है उसमें हमें सिद्ध करना है, क्योंकि तृतीय कोटि का है, इसके रो वाइज जो अवयव हैं वह है एक एक्स वाई शून्य साइन एक्स साइन वाई शून्य कॉस एक्स कॉस वाई बराबर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये है इस प्रकार, ज़ीरो साइन एक्स साइन वाई शून्य कॉस एक्स कॉस वाई, इसको हमें सिद्ध करना है कि यह है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ी त्रिकोणमितीय का ज्ञान आवश्यक है, जैसे कि साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, आपने यह पढ़ा है कि साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र आपको याद होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई प्रूफ करना है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं कि ये डेल्टा है और डेल्टा ये वन, ये एक्स और ये वाई, शून्य साइन एक्स साइन वाई शून्य कॉस एक्स और कॉस वाई। अब एक काम करते हैं कि जो प्रथम स्तंभ है इसके सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक अवयव बचा हुआ है और बाकी सब शून्य है, तो इसका गुणा इसके उपसारणी के साथ कर देते हैं। तो एक ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई और इधर शून्य शून्य, तो हम लिख रहे हैं कि प्रथम स्तंभ अर्थात C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब इसको सरल कीजिए, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई साइन वाई, और ये साइन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फार्मूला जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, और इसे यह सिद्ध हुआ कि यह है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड तक पहुँच चुके हैं, तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। एक और सारणिक दिया गया है जिसमें हमें इसको सिद्ध करना है, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी, ये हमें सिद्ध करना है कि ये ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर है। तो इसे सरल करने के लिए सीधा आप प्रसार कर दीजिए, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं कि माना यह डेल्टा के बराबर है और यह है ए एच जी एच बी एफ और जी एफ और सी। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं, तो ए के साथ उसका उपसारणिक ये बी एफ और ये एफ और सी। देखिए ये ए है, इस कॉलम को और इस रो को छुपा दीजिए, तो आपको जो मिल रहा है ये उसका उपसारणिक है, ये बी एफ एफ और सी। फिर ऋण चिन्ह एच और इसका उपसारणिक एच एफ जी सी। फिर धन चिन्ह
जी और उसका उपसारणिक एच बी जी और एफ। आगे सरल करते हैं, ए बी और सी का गुणा हो गया बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच, ये हो जाएगा एच सी माइनस जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस बी जी। आगे सॉल्व करते हैं, ए बी सी का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस माइनस होगा यहाँ पर एच स्क्वायर सी माइनस और माइनस प्लस एफ जी एच, तो इसको हम लिख रहे हैं एफ जी एच प्लस, यहाँ पर भी एफ जी एच आ रहा है तो एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर। अब इसको हम उसी क्रम में जमा लेते हैं जिस क्रम में हमें सिद्ध करना है, तो ये ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, और यही आपका राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। तो हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस सी सी प्लस बी ए प्लस सी बी और सी माइनस ए और ए माइनस बी बी प्लस ए और सी, ये सारणिक का जो मान है या ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह होगा हमें सिद्ध, यह होता है हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ए ए प्लस सी ए माइनस बी बी माइनस सी बी और ये बी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस ए और ये सी। यदि दिए गए सारणिक के प्रथम स्तंभ में हम ए से गुणा कर दें, सारणिक के प्रथम पद में, अब देखिए यहाँ पर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एडिशन में चाहिए, तो अभी ऐसी बात है यहाँ पर वो पद तो दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको उन संख्याओं को या उन चर राशियों को गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वन बाई ए, इसका मतलब ये कि ए का गुणा हम प्रथम स्तंभ में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि सारणिक या दिए हुए सारणिक डेल्टा के प्रथम स्तंभ में ए का गुणा व भाग करने पर, तो ए का गुणा तो हम अंदर कर लेकिन भाग वाली जो संख्या है उसको हमने बाहर लिखा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर और ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए सी और आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब बाकी जो अवयव हैं वो उसी तरीके से बने रहेंगे, ये b माइनस सी ये b और ये b प्लस ए, इसी प्रकार c प्लस बी सी माइनस ए और ये c। अब हमें यहाँ पर लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो आ चुका है, यदि हम b दूसरे कॉलम में b का गुणा कर दें तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और तीसरे कॉलम में यदि हम c का गुणा कर दें तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा और कॉलम वन बिकम्स कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वह प्रक्रिया कर रहे हैं कि बराबर वन बाई ए सी वन बिकम्स सी वन प्लस बी इंटू सी टू प्लस सी इंटू सी थ्री से, तो ये आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर C2 कॉलम 2 में आपको B का गुणा करना, तो ये बी स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी इंटू सी थ्री, तो C से इसका गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी सी और दूसरा और तीसरा कॉलम उसी प्रकार है, ये B माइनस सी और ये C प्लस बी, इसी प्रकार ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में हम b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा b स्क्वायर और तीसरे हम c का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा c स्क्वायर माइनस ए सी और ये b और ये c माइनस a, तीसरा कि ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी का गुणा बी के साथ, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी, और लास्ट में सी का गुणा, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये बी प्लस ए और ये सी, यहाँ पर ये माइनस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी, माइनस बी सी और प्लस बी सी ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए सी और माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिल रहा है कि वन अपॉन ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बी माइनस सी और ये सी प्लस बी, ये बी और ये सी माइनस ए, और ये बी प्लस ए और ये सी। अब प्रथम जो स्तंभ है इसमें सभी अवयव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये इसे आप कॉमन लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए, और ये एक 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 बी माइनस सी बी, और ये बी प्लस ए। इसी प्रकार ये सी प्लस बी सी माइनस ए और ये सी। तो हमारा एक तरीके से आधा काम हो चुका है कि आपने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया। अब अगले ब्रैकेट में हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर आप उसका जो कारण है या लिखेंगे कि प्रथम स्तंभ से सी वन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, अब इस सारणी को हम आगे सरल करेंगे। तो देखिए कि इसको हम सरल कर सकते हैं यदि हम R2 में R1 को घटा देंगे, आपको रो 2s में रो 1 घटा देंगे तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार यदि रो 3 में हम रो 1 को घटा दें तो यहाँ पर आपको शून्य मिल जाएगा। तो इस स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं, तो इसे हम लिख रहे हैं कि R2 becomes R2 minus R1 तथा R3 becomes R3 minus R1। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बना रहेगा, और आर वन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये वन माइनस बी सी और ये बी प्लस सी इसी तरीके से रहेगा। आर टू माइनस आर वन, इसमें हम इसको घटाएंगे मिल जाएगा शून्य, इसमें इसको घटाएंगे मिल जाएगा सी, इसमें इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा माइनस ए माइनस बी। फिर आर थ्री में हम आर वन को घटा रहे हैं तो इसमें इसको घटाएंगे मिल जाएगा शून्य, और इसमें इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा ए प्लस सी, और इसमें हम इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा माइनस बी। अब हम यह कर सकते हैं कि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये हो जाएगा वन इंटू बी और सी का मल्टीप्लाई, ये माइनस बी और सी, फिर माइनस साइन, और ये ए प्लस सी, और ये इसका जो माइनस है कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर इसे अब आप आगे सरल कर लेते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए, इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस बी सी, ए और ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर ए और बी का मल्टीप्लाई ए बी, सी और ए का मल्टीप्लाई ए सी, और बी और सी का मल्टीप्लाई बी सी। तो ये प्लस बी सी और माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये अपॉन ए।
अब ध्यान दिए तो इन तीनों पदों पर, इस पद पर और इस पद पर, इन तीनों पद पर ए उभयनिष्ठ है, तो ए यदि आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यही राइट हैंड साइड है जो कि आपको सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर भी तृतीय कोटि का सारणिक है, अवयव दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, और बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस, ये बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा और ये अल्फा प्लस बीटा, इसका जो मान है ये हमें सिद्ध करना है कि अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, जहाँ पर दिया है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें दिया हुआ है, मान के चलते हैं कि ये डेल्टा है। अब ध्यान दिया जाए तो कि ये अल्फ़ा है और इसको जोड़ दिया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें इसको जोड़ दिया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसमें इस पद को जोड़ दिया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें ये पद प्राप्त हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग आर वन बिकम्स आर वन प्लस आर थ्री कर लेते हैं, ताकि इस पद पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्राप्त हो जाएगा। या फिर R3 थ्री बिकम्स कर सकते हैं या फिर R1 वन बिकम्स कर सकते हैं, हमने R1 किया तो पहला जो पद होगा ये अल्फ़ा इस तरीके से प्राप्त होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये बीटा प्लस गामा, इसी प्रकार यहाँ पर बीटा और इसको ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और ये बीटा स्क्वायर और गामा इस तरीके से, और ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और ये गामा स्क्वायर और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रो वन में उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जब आप उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो आपके पास सारणिक में होगा वन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा और ये वन बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस गामा और ये वन गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा यह सिद्ध करना है, या आगे इसको हमको सरल करना है। तो आगे यदि हमने यहाँ पर ये किया कि R1 से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा उभयनिष्ठ लिया है, ये इसका कारण है। अब हम यहाँ पर एक और संक्रिया लगाते हैं कि C2 becomes C2 minus C1 और C3 becomes C3 minus C1। अब इससे आगे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये C2 कॉलम 2, ये माइनस कॉलम वन, तो ये वन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, कॉलम टू तो ये वन माइनस वन आपको मिल जाएगा ज़ीरो, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस गामा और सी थ्री बिकम सी थ्री माइनस सी वन, तो वन माइनस वन करेंगे आपको मिल जाएगा ज़ीरो, गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर तो ये मिल जाएगा गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। अब आगे सरल करते हैं, ये वन ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ये अल्फ़ा स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा
और बीटा प्लस अल्फ़ा, इसी तरीके से ये गामा प्लस अल्फ़ा और गामा माइनस अल्फ़ा, और ये बीटा प्लस गामा। इस पद को सरल करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा आपको मिल रहा है, और इस पद को सरल करेंगे तो अल्फ़ा माइनस गामा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, और इसको जब आगे सरल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पर हम देखिए, हमें मिल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमें मिल चुका है, और अंदर ब्रैकेट में देखिए कि बीटा माइनस अल्फ़ा है और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा है, और हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर यदि हम माइनस चिन्ह को कॉमन लें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये वन, ये अल्फ़ा स्क्वायर, और ये बीटा प्लस गामा, ये ज़ीरो, और ये इसको आपको अल्फ़ा माइनस बीटा करना है, तो ऋण चिन्ह हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले रहे हैं, और ये बीटा प्लस अल्फ़ा। इसी प्रकार ये तो अल्फ़ा माइनस बीटा है, और तीसरे कॉलम में हमारे पास जो है आपको चाहिए गामा माइनस अल्फ़ा, तो ये गामा माइनस अल्फ़ा तो है, और ये गामा प्लस अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पर ये अल्फ़ा माइनस गामा है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये अल्फ़ा माइनस गामा जो है ये गामा माइनस अल्फ़ा में परिवर्तित हो जाएगा, और इस तरीके से ये पद हम ये मिल चुका है। अब आगे यदि हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसके साथ में दूसरे कॉलम में इसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं, और तीसरे कॉलम में हम इस पद को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो दूसरे कॉलम में हमने अल्फ़ा माइनस बीटा को कॉमन लिया, और तीसरे कॉलम में हम लोगों ने गामा माइनस अल्फ़ा को उभयनिष्ठ लिया। तो यहाँ पर अगला जो सारणिक है वो कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, वन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, और ये ज़ीरो, और माइनस साइन के साथ में अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर ये वन, फिर ये ज़ीरो, और गामा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर ये माइनस वन। तो हमने यहाँ पर ये किया कि C2 से अल्फ़ा माइनस बीटा व C3 से गामा माइनस C3 से गामा माइनस अल्फ़ा उभयनिष्ठ लिया। अब इस सारणिक को आगे सरल करेंगे और हम अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अब आगे देखिए कि इस सारणिक को सरल किया जा सकता है वो उस प्रकार कि यदि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दें तो सिर्फ इसके साथ में ये गुणांक मिलेगा और बाकी ये दोनों शून्य हो जाएंगे। तो आगे हम लोग प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और सारणिक के साथ आप सरल कर रहे हैं तो एक के साथ में जो उसका उपसारणिक है ये है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वन, और ये गामा प्लस अल्फ़ा, और ये माइनस वन। चलिए इसे सरल करते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये गामा माइनस अल्फ़ा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिल रहा है, फिर माइनस, फिर वन और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गामा माइनस अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा, अल्टीमेटली आपको मिल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये बीटा माइनस गामा, और ये गामा माइनस अल्फ़ा, जो कि है आपका राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न दिया गया है कि समीकरण को हल कीजिए, और सारणिक का मान दिया है 3x माइनस 8, ये 3 और 3, फिर 3, 3x माइनस 8 और 3, 3, 3 और 3x माइनस 8। देखा जाए तो यह एक चक्रीय क्रम को फॉलो कर रहा है कि 3x माइनस 8, फिर 3, फिर 3, फिर इस 3 से शुरू होगा, फिर इस 3 से शुरू होगा, तो फिर ये, इस तरीके से ये क्रम बना हुआ है। तो इस सारणिक को हमें हल करना है, तो लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करते हैं। यदि हम R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, इसका मतलब ये कि इसमें इसको और इसको ऐड कर दें, उसी प्रकार
इन सब को ऐड कर दें और इसको ऐड कर दें तो कुछ हद तक सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3 और ये 3 प्लस 3x माइनस 8 प्लस 3 और ये 3 प्लस 3 प्लस 3x माइनस 8। रो वन बिकम्स हमने किया है, रो वन जो है वो परिवर्तित हो रहा है, बाकी सब उसी तरीके से बना हुआ है। तो ये 3, ये 3, 3x माइनस 8 और ये 3 और ये 3 और 3x माइनस 8। अब इसको जब आप आगे सरल करेंगे तो 3x माइनस 2 हो जाएगा। आगे इसको सरल करेंगे इस पद को तो आपको मिल जाएगा 3x माइनस 2 और इसको भी सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3x माइनस 2। ये 3x माइनस 8 और ये 3 और ये 3 और ये 3x माइनस 8। तो प्रथम पंक्ति में 3x माइनस 2 ये उभयनिष्ठ है तो उसे हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। 3x माइनस 2 तो ये मिल गया आपको 1 3 3 1 3x माइनस 8 और ये 3 और ये 1 3 3x माइनस 8। हमने क्या किया है कि R1 से 3x माइनस 2 उभयनिष्ठ लेने पर ये हमें प्राप्त हुआ था। अब इसे सरल करने के लिए हम कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा देते हैं और इसी प्रकार कॉलम 3 में कॉलम 1 को घटा देते हैं। तो ये 3x माइनस 2 और हम जो संक्रिया लगा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है, C2 becomes C2 minus C1 तथा C3 becomes C3 minus C1। तो कॉलम 1 उसी प्रकार है तो ये 1 3 3। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 0, 3x माइनस 8 माइनस 3 तो ये मिल जाएगा 3x माइनस 11, फिर 3 माइनस 3 0, C3 माइनस C1 तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 अगेन 0, 3x माइनस 8 माइनस 3 तो ये मिल जाएगा 3x माइनस 11। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं तो ये 3x माइनस 2 और फिर 1 इंटू 3x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 11 और ये माइनस 0 प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कि ये 3x माइनस 2 है और ये 3x माइनस 11 का स्क्वायर है तो 3x माइनस 2 और 3x माइनस 11 का स्क्वायर और ये इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ से इक्वल टू 0 है और यहाँ से हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे थे तो इसका मतलब ये कि इक्वल टू 0 यहाँ से दिया हुआ है। अब इसको जब आगे सरल करेंगे तो आपको पूरे प्रश्न में यह मिल रहा है कि 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 11 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू मिल जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 11/3 और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था।